हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रीति। सो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो हैं परफ्यूम लवर। मुझे गाइस परफ्यूम का बहुत शौक है, तो मेरे पास कुछ परफ्यूम लगे हैं, रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर करूं कि मेरे पास कौन कौन से परफ्यूम हैं, आपके पास कौन कौन से परफ्यूम हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास कितना कलेक्शन है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरे पास ईवा का अर्बन, नो अल्कोहल, स्किन फ्रेंडली। गाइस ये बहुत 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 अच्छा है, इसकी जो फ्रेग्रेंस स्मेल है बहुत अच्छी है गाइस, बहुत 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 अच्छी है। ये फ्रूट वाला है, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। और ये है आपका 130 रुपीज का, बहुत अच्छा है गाइस, तो ट्राई कीजिए आपको अच्छा लगे तो। सो नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला, तो ये एटीट्यूड का है, डिओड्रेंट है फैंटेसी, ये भी काफ़ी अच्छा है गाइस, ये है 260 रुपीज का। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। आज मेरे रूम में पूरी में स्मेल 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 होने वाली है, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, सारे इसी में ट्राई करेंगे। सो नेक्स्ट है मेरे पास दिस वन, रिया क्रिएटर एपियरल परफ्यूम 100 ml। ये भी बहुत बहुत बहुत, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसका प्राइस नहीं बता सकती बिकॉज जो इसका ऊपर से पैकेजिंग थी ना, बॉक्स में आया था, उस पर उसका रेट लिखा हुआ था। सो यहाँ मैं इसको, वाओ बहुत अच्छी स्मेल है गाइस, ये बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है इसकी स्मेल, बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट है मेरे पास दिस वन, ये है मैस्टिक का वाटर्स फॉर वुमेन। देखिए और वुमेन स्पेशली मेरे लिए है। सो ये है आपका, ये सारे स्प्रे वाले हैं एंड ये 200 ml का है। इसका प्राइस पता नहीं किधर लिखा है, मुझे देख नहीं रहा, बट इसकी स्मेल बहुत अच्छी है गाइस। इसका प्राइस इस पर नहीं लिखा गया, जिसका बॉक्स था शायद उसी पर प्राइस होगा। नो नो नो, नीचे है इसका प्राइस है आपका 200 का है, इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं पाएगा, इसमें 200 रुपीज़ का है। सो गाइस ये बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल भी देख लेते हैं, बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत अच्छी स्मेल है। सो नेक्स्ट हम आते हैं दिस वन, ये ब्लैक बेबी का है एपीरियल परफ्यूम, 100 ml है ये, और इसका प्राइस इस पर नहीं लिखा, बॉक्स पर था, तो मेरे पास परफ्यूम है, मुझे कूड़ा कबाड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं फेंक देती हूँ। वाओ बहुत अच्छी स्मेल है। आप भी परफ्यूम लवर हैं तो प्लीज़ अपने परफ्यूम बताइएगा, आप कैसे परफ्यूम यूज़ करते हो। तो ये सी आप देख पा रहे हैं इसका नेम, ओके। एंड द नेक्स्ट इज दिस वन, डायनामाइट डिओडोरेंट है ये, आइस, ठंडा ठंडा अच्छा है ये। सो ये है आपका 260 रुपीज का एंड ये एमबे का है, सी एमबे, पता नहीं मेरे कैमरे की क्वालिटी कैसी है, आपको दिखते ही नहीं है क्लियर, मैं दिखा नहीं पाती। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, सी बहुत अच्छा है। तो ये है मेरे परफ्यूम एंड द नेक्स्ट इज दिस वन, यार्डली, यार्डली लंदन,
बहुत बहुत अच्छा है, जेंटलमैन क्लासिक, बॉडी स्प्रे फॉर मैन, ये मैंस का है गाइस, ये मेरे हस्बैंड का है, 150 ml है इसमें, और इसका प्राइस ये है 190 rupees का, यार्डली लंदन। ओके, इसकी स्मेल भी गाइस बहुत अच्छी है, वाह बहुत अच्छी है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। सो नेक्स्ट है मेरे पास नीचे रॉयल कॉच एपेरल मेरे को परफ्यूम सोना रिया है। का। सो इसमें भी प्राइस नहीं है, इसके जो पैकेजिंग आती है उसमें था प्राइस। सो यहाँ भी मैं चेक कर लेती हूँ, इसकी स्मेल भी गाइस बहुत अच्छी है, बट ये हल्का हल्का निकल रहा है, बहुत अच्छी है इसकी भी, बट ये हल्का हल्का निकल रहा है। सो आप देख सकते हैं ये। चलिए नेक्स्ट है ये एप्पल का, एप्पल ये एप्पल परफ्यूम है, इसका प्राइस भी नहीं है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये आइस में चला गया, सॉरी। बहुत अच्छा परफ्यूम है ये भी, बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, मैं इसको यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। एंड द नेक्स्ट इज ये है बिंदास का, रिया का है, बिंदास एपेर परफ्यूम, ये भी अच्छा है। ये काफ़ी हार्ड है, काफ़ी हार्ड है। सो एक ये है मेरे पास टर्क्यू का, एंड बी 1000 एक्स्ट्रा पावर परफ्यूम बॉडी स्प्रे। सो ये है आपका 195 का। सो ये भी देख लेते हैं कैसी स्मेल है। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा मुझे। सो ये है कोबरा, सेंट जॉन कोबरा, कोबरा का परफ्यूम मेरे चाचू भी लगाते थे ना, मुझे इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी लगती, मेरे चाचू ने अपनी शादी पर भी यही लगाया था बट इसकी स्प्रे बहुत लिटिल लिटिल निकल रही है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद बॉडी में, जिसकी है तो काफ़ी इसमें, बट ये निकल नहीं रहा, कुछ निकलने में प्रॉब्लम हो गई है। सो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास दिस वन, रिया का मेलोडी अपेरल परफ्यूम, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका प्राइस भी नहीं है मेरे पास। सो इसको स्प्रे करके देख लेते हैं, ये भी कम कम ही निकल रहा है गाइस, बट ये काफ़ी अच्छा है। दिस वन देख पा रहे हैं आप। चलिए एंड द नेक्स्ट इज दिस वन, ये स्टूडियो वेस्ट का है, मैरिन का, जो उनकी है ना टाटा वालों की कंपनी, न्यू लॉन्च की है उनकी, जियो वालों की, ये वो है। इसका इसका प्राइस रुपीज़ है इसका 595, बट इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। ये स्टूडियो वेस का है, मैरिन फ्लेवर इसका, जो उसकी स्मेल है मैरिन की है, और बॉडी मिस्ट है, काफ़ी अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, मैं इसको यूज़ करती हूँ, बहुत 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 अच्छी है, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। सो एक बार आप और देख लीजिए, देख पा रहे हैं। चलिए तो ये है मेरे पास लास्ट परफ्यूम, ये है हर प्रॉमिस एच यू डे परफ्यूम, ये भी स्टूडियो वेस्ट का है, ये 50 ml है, एंड ये 50 ml है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस परफ्यूम,
इसका भी प्राइस 595 रुपीज़ है, यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो वैसे भी नहीं दिख पाते मैं, मेरे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट ये 595 का है। इसमें 50 ml है, ये काफ़ी अच्छा है, स्टूडियो वेस्ट का है, टाटा कंपनी का है, बहुत अच्छा है। सो इसका नेम है हर प्रॉमिस एजू दे परफ्यूम। सो गाइस ये है मेरे परफ्यूम्स, आशा करती हूँ कि आप भी परफ्यूम लवर हैं तो आपको भी मेरी ये परफ्यूम अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से मेरे परफ्यूम्स, ये कोबरा खुला ही नहीं है, ये ब्लैकबेरी का, दिस वन यार्डले लंदन, ये भी काफ़ी अच्छा है यार्डले लंदन का, ये है दिस वन, ये मेरी टेबल छोटी पड़ चुकी है गाइस, बट मेरी परफ्यूम, आई हैव लॉट्स ऑफ परफ्यूम, सो डायनेमिक का ये। सो गाइस ये है मेरे परफ्यूम्स, अगर आप देख पा रहे हो तो। सो आशा करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो ओके देन, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप करते नहीं हो। ओके देन, बाय बाय।